Yes, I will prepare the working notes here. And then we will leave the space on the board for your preparation of the exam. So this time my asset's name is measuring instruments. Am I right? Measuring instruments, ledger account, we will prepare. Purchase measuring instrument for his research laboratory for ₹60,000 from Precision Perfect Company. Who will tell me the journal entry for buying this instrument? Pehle mere ko entry batao. Who is the purchaser here and who is the seller here? Tell me. Who is the purchaser here and who is the seller here? Purchaser is Samar Sachdeva, right? एंड जिसे खरीदा है कंपनी का नाम दे रखा है प्रिसीजन परफेक्ट कंपनी. पेइंग ओनली 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन 1st October. इट मींस कि DOPS 1st October. एम आई राइट? DOPS 1st October 17. उसने बोला 1/4 पेमेंट उसने कर दी है और बैलेंस एक महीने में पे करना है. आप मेरे को एंट्री बताओ. आपने मेरे को 1st October को एंट्री बतानी है. क्या होगी जर्नल एंट्री? रेज योर हैंड. जर्नल एंट्री पता होगी तभी मैं वहां पे पोस्टिंग करूंगी. गलत. पहले परचेज की बाद में पेमेंट की करनी. पहले परचेज तो करो. परचेज डेबिट बोलो. हाँ, इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, टू प्रिसीजन कंपनी भी, क्योंकि 1/4 पेमेंट करी है, 3/4 अभी करनी है ना एक महीने के बाद. एंट्री क्या बनेगी? इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 15,000, टू प्रिसीजन कंपनी लिमिटेड 45,000. एम आई राइट? क्योंकि 45,000 का उधार किया भाई. एक महीना बीतेगा, 1st November आएगी, तब आप एंट्री क्या करोगे? प्रिसीजन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. डन. किस कितनी अमाउंट? 45,000. सो इंटरेस्ट शुड रन इन टू योर माइंड ऑटोमेटिकली. अब मैं जब अकाउंट बनाऊंगी, मैंने तो पहली एंट्री करनी है अक्टूबर को है, तो मैं टू बैंक और टू प्रिसीजन लिख दूंगी. कोई बात नहीं, चाहे उधार में खरीदो चाहे कैश में खरीदो, डेप्रिसिएशन तो लगना ही है. चैप्टर तो डेप्रिसिएशन का ना. बट एंट्री शुड बी लाइक दिस. अगर कोई एंट्री पूछ लेता है इसमें, तो आपको पता होनी चाहिए एंट्री कैसे करनी है. एक महीने के बाद प्रिसीजन को पेमेंट करनी है, 1st October तक तो यही रहेगा. ठीक है जी? एनी डाउट? चले आगे. डेट ऑफ परचेसेस क्लियर टू यू एंड द कॉस्ट प्राइसेस? बोलो. कॉस्ट प्राइस है 60,000. आगे चलते हैं. 31st March 2019 को ही डिस्पोज्ड ऑफ हाफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट प्रॉफिट. जब कभी भी पार्ट्स की बात होती है ना, मैं बिगिनिंग में ही उस मशीनरी को या इंस्ट्रूमेंट को हाफ ऑफ कर लूंगी, ताकि हाफ जो आपका डिस्पोज ऑफ हो गया है उसका कैसे हिसाब किताब रखना अलग, और जो अभी आपके पास है हाफ उसका क्या करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग रखेंगे. सो हियर बाय आई एम डिवाइडिंग इट इनटू हाफ ऑफ पार्ट. इट मींस कि मैं 30,000 का हिसाब किताब अलग रखूंगी और बाकी 30,000 का हिसाब किताब अलग रखूंगी. ये जो पहले वाला 30,000 है मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, मींस सेल कर दिया, मींस वो डिस्कार्ड हो गया होगा. वैसे मैंने बोला प्रैक्टिकली कभी भी मशीनरी को पार्ट्स में नहीं रख सकते, पर यहाँ पे वी कैन मेक एन अजम्पशन कि कोई पार्ट बिल्कुल डैमेज हो गया होगा, वो उसने रिप्लेस करवाना होगा, इसलिए वो बेच दिया पुराने वाला. So we can assume it like this way, right? So half को उसने बेचा है, कितने में बेचा है? 10,000 profit में बेचा है. Who will tell me how to calculate selling price in this case? अच्छा, ऐसे ही कर लें, कोई depreciation नहीं, कोई कुछ नहीं. देखो, chapter के किस पड़ाव पे पहुंचे हैं and you are answering me 30 में 10 add कर दो, means 40 में बेचा. गलत. Book value निकालो. 31 मार्च 2019 को कितनी है? उस बुक वैल्यू में 10,000 प्रॉफिट ऐड करो तो सेलिंग प्राइस आएगा. और आज से पहले क्वेश्चन हम लोग ऐसे किया करते थे, सेलिंग प्राइस वो खुद देता था, मैं बुक वैल्यू निकालती थी, मैं दोनों का कंपैरिजन करके प्रॉफिट और लॉस खुद निकालती थी. अब क्वेश्चन में प्रॉफिट खुद दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में सेलिंग प्राइस चाहिए भाई. एम आई राइट? तो 10,000 के प्रॉफिट में बेचा है. जब 31 मार्च 2019 को आएंगे वी विल कैलकुलेट इट. क्यों बेचा उसने, कारण भी बता दिया. मेरे वाला कारण ही बताया उसने. एज His further experiments would not require them. उस half part को चाहिए ही नहीं था, वो ज्यादा था उसके लिए, अब experiments के लिए उसे चाहिए नहीं था. He writes of depreciation at the rate of 10% on written down value method every year 31st March. बस instrument का account बनाना है,
from the date of purchase up to the year ending 31st March 19. Done. Will you tell me that this instrument account will show a balance at the end? No. Instrument account का कोई balancing figure नहीं आएगा आपके कॉर्ड आएगी क्योंकि half dispose of किया half तो मेरे पास है भाई ठीक है चलिए हम दोनों half half के ऊपर depreciation लगाना शुरू करते हैं depreciation का rate कितना है students that is what 10% तो मैंने 30,000 को अलग कर दिया और बाकी 30,000 को अलग कर दिया जो पहले वाला 30,000 है I will be disposing of और बाकी दूसरे वाला 30,000 मैं अपने पास रखूंगी खरीदा कब है 17-18 का डेप्रिसिएशन लगेगा 18-19 का भी पूरा लगेगा दो साल की तो बात है 17-18 जब खरीदा और 18-19 31 मार्च को तो डिस्पोज ऑफ कर दिया मैंने अभी मैंने काउंट नहीं करवाया दो साल का मतलब है दो फाइनेंशियल ईयर की बात होगी और पहले साल 5 महीनों का नहीं लगेगा 6 महीनों का लगेगा अक्टूबर मंथ को बीच में इंक्लूड करना है बिकॉज वी आर बाइंग एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर लेट मी काउंट counted for you October महीना मेरे पास है November December January February March it is very very important which month is to be excluded and which is to be included if you are buying it at the beginning of the month it means you have to include it while calculating the time period for which you are keeping the asset it means कि पहले साल 6 महीने का लगना दोनों parts के ऊपर अगला साल full year और written down value method है अगर पूरे साल का लगता तो 10% के हिसाब से 3,000 होता मैंने 6 महीनों का लगाना है 1500 इसमें से माइनस करूं 1500 इसमें से वैल्यू बची 28,500 बोथ केसेस डन अब की बार डेप्रिसिएशन कौन से पार्ट पे लगना है 28,500 पे 2850 ये तो मेरे पास रहना है इसकी बैलेंसिंग फिगर मैं ओरली बता देती हूँ 0 5 4 6 7 आपका आंसर इतना आना चाहिए अकाउंट का 25,650 बिकॉज दिस पार्ट यू आर नॉट सेलिंग दिस पार्ट यू आर कीपिंग विद योर सेल्फ दैट इज हाफ पार्ट आप चाहे आंसर चेक कर लो इंस्ट्रूमेंट अकाउंट का इतना बैलेंसिंग फिगर उसने बताई होगी ये पार्ट मैंने बेचना है माइनस करके अमाउंट इसकी भी 25,650 आनी है दिस इज बुक वैल्यू एम आई राइट उसने बोला 10,000 के प्रॉफिट में बिकना मीन्स कितने में बिका होगा 35,650 में एम आई राइट जिस चीज की वैल्यू 25,650 आए डेप्रिसिएशन के बाद उसे 10,000 के प्रॉफिट में बेचेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे कितने में बिका होगा इसमें मैंने 10,000 ऐड कर दिया ऑरली इट मीन सेलिंग प्राइस कितना आएगा 35,650 व्हाट एंट्री यू विल पास टू सेल इट ऑफ व्हाट एंट्री यू विल पास टू सेल इट ऑफ नव्या बोलो जी एंट्री अमाउंट वाइज कैश अकाउंट क्या डन कितनी अमाउंट से गलत यस 35650 क्योंकि 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा आगे टू बिल्कुल ठीक टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉफिट है वो 10,000 है गिवन है क्वेश्चन में टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद दिस अमाउंट बनाए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अकाउंट आंसर चेक किया किसने ने बैलेंसिंग फिगर दे रखी है 25,650 ही है ना चलिए जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अकाउंट बनाइए बहुत इजी है क्योंकि 2 साल का ही तो हिसाब किताब है 2 भी नहीं पूरे 1.5 साल मैंने बोला था नवंबर को जब वो प्रिजन कंपनी को पेमेंट करेगा वो बात अलग से होगी हम यहाँ पे अक्टूबर की एंट्री करेंगे एंड वी विल बी अस्यूमिंग 1/4 उसने पेमेंट कर दिया 3/4 अभी रहती है ठीक है तो पहली एंट्री हम लोग प्रिजन कंपनी से ही करेंगे दैट विल बी ऑन 1st October क्या बोला था मैंने उसने क्या बोला पहले 1/4 चेक में पे किया टू बैंक टू प्रिजन कंपनी लिमिटेड क्योंकि 3/4 अभी आपने पेमेंट करनी है 15,000 कैश में दे दिया 45,000 इस तरह से ठीक है अब आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे 2 तरह की डेप्रिसिएशन भी लिख सकती हूँ डेप्रिसिएशन 1 डेप्रिसिएशन 2 अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करके लिख दो बाय डेप्रिसिएशन ठीक है यहाँ पे अलग अलग जरूर करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट बिकना ये नहीं बिकना ठीक सो दिस वर्किंग नोट विल हेल्प यू अलॉट साल बीता 31 मार्च 2018 आया बाय डेप्रिसिएशन दोनों पार्ट की 3,000 60,000 से 3,000 माइनस किया ऐड करो दोनों को 28,500 57,000 बैलेंसिंग फिगर इज 57,000
buy balance carry down 57,000. This is अगले साल के बिगिनिंग में 1st April 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,000. आप बेचे, बेचने से पहले डेप्रिसिएशन लगाए, कितना कितना डेप्रिसिएशन 2850 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन दोनों के ऊपर 5700 बाय बैंक. अभी नव्या ने बोला या बाय कैश 35,650. प्रॉफिट इस साइड पे आता है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज 10,000. बाय बैलेंस कैरी डाउन बोलो कितना बैलेंस 25650. यू विल फाइंड दोनों साइड का टोटल 67,000 हो. एनी डाउट को एनीवन? अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है 1st April बोलो 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन उसे लिख किया होगे 25,650. एनी डाउट को एनीवन? वाज इजी ओवरऑल. ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिले दैट वी आर सेलिंग इट नॉट द होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वी आर सेलिंग इट इन पार्ट्स. डन. So in the beginning only I divided it into parts. ये वाला मेरा sold part हो गया, ये वाला मेरा unsold part हो गया. Unsold part की आज भी balancing figure मेरे account में रहेगी. So let's see the next question. Should I erase it now? Start reading the next question और उसके working notes बनाने शुरू करो मेरे से पहले. Twenty-ninth question from the back exercise. Everybody will see. Let's read 29th question. एक मशीन खरीदी है 10,000 की. किसने खरीदी है? रितु चौधरी ने. And the date of purchase is beginning of the year 1st April 2016. And the cost of the machinery is 10,000. इसकी erection मतलब fitting के ऊपर कितना 2,000 खर्च किया. ये 12,000 की हो गई cost CP. मार्केट इज नंबर वन क्योंकि उसके बाद इसने एक और मशीन भी खरीदी है. आई विल बी कॉलिंग इट नंबर टू. ठीक है, सेकेंड वाली कब खरीदी है? 1st October. आई विल बी कॉलिंग इट नंबर टू 1st October 2016. दैट इज अ 4,000. ये जो पहले वाली खरीदी थी ही सेज 1st April 2016 को जो खरीदी थी इसे बेचना है भाई. इसका DOS कब है? 1st April 2018. कितने में बेचा है? 4600 में. 10% डेप्रिसिएशन लगाती है रितु चौधरी. और मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. विल दिस अकाउंट शो अ बैलेंसिंग फिगर? फर्स्ट यस और नो? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेकंड वाली मशीन अभी रितु चौधरी के पास रहनी, फर्स्ट वाली मशीन उसने बेचनी है. कितने सालों का अकाउंट बनाएंगे? 16-17 का बनाएंगे, 17-18 का बनाएंगे, 18-19 का भी बनाएंगे. एम आई राइट? उसने 3 years पूछा ही है. हाँ, तो 3 years I counted. Done. अब आप, it's your turn. अब profit और loss निकालो. फिर मैं board पे solve करती हूँ. Take 2 minutes. Calculate profit और loss. पहली मशीन के ऊपर profit और loss calculate करो. हरी आप, everyone. So I solved it here. The first machinery was costing to her rupees 12,000. 10% depreciation, 12,000 का 10% 1200, value बची 10,800. अगले साल इस 10,800 पे लगना है भाई. It will be a base for depreciation 1080. Value थी 9720. I call it book value. Book value I always compare with the selling price and selling price he is giving me in the question. 9720 वाली चीज को आप कम प्राइस में बेच रहे हो, 4600 में बेच रहे हो, यू आर लूजिंग. 5120 इज योर लॉस. एम आई राइट? चलें आगे. सो नाउ दिस होल सीन आई हैव टू शो इन द लेजर अकाउंट. क्या दूसरी मशीन का भी हिसाब किताब बना लें ताकि अकाउंट बनाते हुए हमें परेशानी ना हो? दूसरी मशीन हम बेचने नहीं लगे लेकिन उसका डेप्रिसिएशन तो निकाल के रख लें. दूसरी मशीन खरीदी कब थी बेटा जी? वी बॉट इट ऑन October 2016. इसके ऊपर 16-17 का 6 महीने का लगेगा. दीपांशु ठीक है? It's not 5 now, it's 6.
16-17 में कितने की खरीदी है? 4000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, पूरे साल का लगाते हैं तो कितना होता है 400, हमने कितने साल का लगाना है 200, 3800। अगला कौन सा साल? 17-18 में कितनी किस पे लगेगा? इस पे 380। गुड, 0 2 7 3 4 2 0। अगली बार किस पे लगेगा? क्योंकि थर्ड ईयर में भी जाना है ना, तो कितना? 342। दिस इज 8 11। 3078 देखो आंसर है, उसने क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा। 3078 विल बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस मशीनरी अकाउंट आफ्टर 3 years। सो सेकंड मशीनरी फॉर हाउ मेनी पीरियड और मंथ्स और इयर्स यू आर कीपिंग विद यू? 2.5 years। 2.5 साल आप उस मशीनरी को अपने पास रख रहे हैं और अभी भी आपके पास है, आपने उसे बेचा थोड़ी ना। सो यू विल बी फाइंडिंग इट्स बैलेंसिंग फिगर 3078। लेट्स प्रिपेयर इट्स लेजर अकाउंट। अगेन इट्स योर टर्न, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। हरी आप एवरीवन, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एवरीवन।